सुप्रभात बच्चों, आप सभी को पुनः स्वागत है लोकगीत पार्ट के दूसरे भाग में। लोकगीत अर्थात स्थानीय लोगों का गीत। आइए इस पार्ट के शेष अंग को भी जानते हैं। भोजपुरी में करीब 30-40 वर्षों से विदेशिया का प्रचार प्रसार हुआ है। भोजपुरी भाषा में करीबन 30 से 40 वर्षों में विदेशिया गाना का खूब प्रचार प्रसार हुआ है। भोजपुरी गायक लोग या वहाँ के स्थानीय बाशिंदा लोग जो विदेश में रहते हैं, उन पर अधिकतर गीत गाना शुरू कर चुके हैं। गाने वाले के अनेक समूह इन्हें गाते हुए देहात में फिरते हैं। इधर के जिलों में विशेषकर बिहार में विदेशिया से बढ़कर दूसरे गाने लोकप्रिय नहीं हैं। अर्थात ये विदेशिया जो गाना है, लोकगीत है, वह बिहार में खासकर गाया जाता है और सभी लोग देहात में यह विदेशिया गीत गाते फिरते रहते हैं। इन गीतों में अधिकतर रसिक प्रियों और प्रियाओं की बात रहती है, परदेशी प्रेमी की, और उनसे करुणा और विरह का रस बरसाता है। रसिक प्रियों और प्रियाओं, यहाँ प्रिय और प्रियसी के बारे में या पति पत्नी के बारे में, प्रेमी प्रेमिका के बारे में, इन दोनों के बीच की करुणा का, प्रेम का और विरह का, जुदाई का गाना गाया जाता है खासकर बिहार में। जंगल की जातियों आदि भी दल गीत गाते हैं जो अधिकतर बिरह आदि में गाए जाते हैं। जंगल की जो जनजाति हैं वह भी अपना लोकगीत गाते हैं समूह में, और ये लोग भी बिरहा का गीत गाते हैं। पुरुष एक ओर और स्त्रियां दूसरी ओर एक दूसरे के जवाब के रूप में दल बांधकर गाते हैं और दिशाएं गूंजा देते हैं। पर उधर कुछ काल से इस प्रकार के दलीय गायन का ह्रास हुआ है। आधुनिकता ने हमारे जनजीवन पर तो प्रभाव पड़ा ही है, हमारे गायन के क्षेत्र में भी अत्यधिक प्रभाव देखने को मिलता है। अब लोकगीतों में भी ह्रास आने लगा है। जब आदिवासी लोग, जब जंगल में रहने वाले जनजाति गाते थे तो दिशाएं गूंज उठती थी, अर्थात चारों तरफ उसका आवाज गूंजता था। वे लोग दल में गाते थे, समूह में गाते थे और दो पक्ष बनकर, एक पक्ष गाते हुए सवाल करते थे तो दूसरा पक्ष गाते हुए उसका जवाब देते थे, उसके सवालों को काट देते थे। इस तरह से प्रतियोगिता की तरह भी लोग समूह में गीत गायन करते थे, लेकिन अब इसमें ह्रास हो गया है, इसमें कमी आ गई है। एक दूसरे प्रकार के बड़े लोकप्रिय गाने अल्लाह के हैं, अधिकतर यह बुंदेलखंडी में गाए जाते हैं। प्रारंभ तो इसके चंदेल राजाओं के राजकवि जगनिक से माना जाता है, जिसने अल्लाह उदल की वीरता का अपने महाकाव्य में बखान किया है। यह निश्चय ही उसके छंद को लेकर जन बोली में उनके विषय को दूसरे देहाती कवियों ने भी समय समय पर अपने गीतों में उतारा, और ये गीत हमारे गांव में आज भी बहुत प्रेम से गाए जाते हैं। इन्हें गाने वाले गांव-गांव ढोलक लिए गाते फिरते हैं। इसी की सीमा पर उन गीतों का भी स्थान है जिन्हें
नट रस्सियों पर खेलकर करते हुए गाते हैं। अधिकतर ये गद्य पद्यात्मक हैं और इनके अपने बोल हैं। जैसे कि मैं पहले भी बताई हूँ, लोकगीत का कोई निश्चित सुर ताल लय नहीं होता है। यह लोग अपने ही तरीका से गाते हैं, सबका अपना अपना भाषा होता है। खुद वह गीत रचते हैं और गाते हैं, तो देहातों में खासकर अल्लाह उदल की वीरता की गाथा लोग गायन के रूप में गा के सुनाते हैं। और खासकर देहाती कवियों ने भी समय समय पर अपने गीतों में अल्लाह उदल की वीरता को उतारे हैं। और गांव देहात में लोग बड़े ही प्रेम पूर्वक, बड़े ही प्रेम से इसे गाते रहते हैं। इन्हें गाने वाले गांव-गांव ढोलक बजाते और गाते फिरते हैं। यह गद्यात्मक और पद्यात्मक दोनों शैली में गाया जाता है। अनंत संख्या अपने देश में स्त्रियों की गीतों की है। हरेक स्थानीय भाषाओं में स्त्रियां खासकर लोकगीत में अधिकतर भाग लेती है। ये तो गीत भी लोकगीत ही है, पर अधिकतर इन्हें औरत ही गाती है। जिस लोकगीत की चर्चा आपके इस पाठ में किया गया है, वह खासकर ज्यादातर औरत ही गाती है। आपके विभिन्न संस्कारों में उन्हें सृष्टि भी है, अधिकतर वही। वैसे मर्द रचने वालों या गाने वालों की भी कमी नहीं है, पर इन गीतों का संबंध विशेषतः स्त्रियों से है। लोकगीत खासकर हमारे जो संस्कार होता है उन अवसरों पे गाया जाता है, तो ये गाने की कार्य अधिकतर महिलाएं करती है। उस गीत के सृजने की काम अर्थात सृजना करने के काम भी वो खुद करती है। सुर तल तय लय ये खुद ही देती है, पर इस दौर में पुरुषों की भी कमी नहीं है। इस दृष्टि से भारत इस दिशा में सभी देशों से भिन्न है, क्योंकि संसार के अन्य देशों में स्त्रियां ने अपने गीत मर्दों या जन गीतों से अलग और भिन्न नहीं है, मिले जुले ही होते हैं। जिस प्रकार की संस्कृति हमारे यहाँ है, भारत में है, हमारे यहाँ प्रत्येक संस्कारों में उसी को भाव व्यक्त करने वाले लोकगीत गाया जाता है। उस संस्कारों को लोकगीत के शब्दों में उतारा जाता है और उस भाव को आम लोग भी, साधारण लोग भी समझ लेते हैं। तो ऐसी साधारण संस्कृति विश्व के अन्य किसी भी देश में देखने को नहीं मिलता है। वहाँ वही गाने गाए जाते हैं जो अधिकतर सभी लोग मिलजुल कर गाते हैं। त्योहार पर नदियों में नहाते के समय नहाने जाते हुए राह के विवाह के मटकोर जोनार के संबंधियों के लिए प्रेमयुक्त गाली के जन्म के आदि सभी अवसरों के अलग अलग गीत हैं जो स्त्रियां गाती हैं। हमारे यहाँ इस अनुच्छेद में जो दिया गया है, इन सभी संस्कारों जैसे जब नदियों की तट पर पूजा अर्चना की जाती है, उस समय हमारे यहाँ की महिलाएं उस भावना को व्यक्त करते हुए गाती है, नहाते समय गाती है, पूजा हुआ मटकोर होता है उस समय गाती है, विवाह के समय गाती है। जनेऊ में भी ये लोग इस संस्कार की शब्दों में उतार कर लोकगीत के रूप में व्यक्त करती है। संबंधियों को, अपने सगी संबंधियों को भी वह हंसी ठिठौले के रूप में गीत को गाती है। जन्म के मौके पर बच्चों की लंबी आयु की कामना करते हुए उसे बधाई देते हुए उस अवसर पर भी वह
अलग अलग किस्म के लोकगीत गाती रहती है। इन अवसरों पर कुछ आज से ही नहीं बड़े प्राचीन काल से वे गाती रही है। हमारी जो भारतीय संस्कृति है वो आज का नहीं है, यह हमारी बहुत ही प्राचीन काल से चली आ रही है। महाकवि कालिदास आदि ने भी अपने ग्रंथों में इनके गीतों का हवाला दिया है। महाकवि कालिदास के महाकाव्य में भी हमारी लोकगीतों की चर्चा मिलता है। शोहर, बानी, शेहरा आदि उनके अनंत गानों में से कुछ है। वैसे तो बारह मासे पुरुषों के साथ नारियां भी गाती हैं। बारह मासे अर्थात जो लोकगीत सभी महीनों में गाया जाता है उसे बारह मासे कहा जाता है। शोहर, बानी, शेहरा ये सब खासकर शादी विवाह के मौके पर गाए जाने वाले लोकगीत हैं। एक विशेष बात यह है कि नारियों के गाने सामान्यतः अकेले नहीं गाए जाते हैं, दल बांध कर गाए जाते हैं, अनेक कंठ के साथ फूटते हैं। यद्यपि अधिकतर इनमें मेल नहीं होते, फिर भी त्योहार और शुभ अवसरों पर वे बहुत ही भले लगते हैं। गांव और नगरों में गायिकाएं भी होती है जो विवाह, जन्म आदि के अवसरों पर गाने के लिए बुला ली जाती है। सभी ऋतुओं में स्त्रियां उल्लासित होकर दल बांध कर गाती है, पर होली, बरसात की कजरी आदि तो उनकी अपनी चीज है जो सुनते ही बनती है। पूरब की बोलियों में अधिकतर मैथिली, कोकिल, विद्यापति के गीत गाए जाते हैं, पर सारे देश के कश्मीर से कन्याकुमारी केवल कन्याकुमारी केरल तक और काठियावाड़ गुजरात, राजस्थान से उड़ीसा, आंध्र प्रदेश तक अपने अपने विद्यापति हैं। मैथिली कोकिल के रूप में विद्यापति को जाना जाता है। वह बहुत ही मीठे स्वर में बहुत सारे मैथिली गीत गाए हुए हैं। तो यहाँ लेखक का कहना है कि जिस प्रकार मैथिली में विद्यापति सुप्रसिद्ध है, मैथिली गीत संगीत सुनाने के लिए, मैथिली लोकगीत गाने के लिए, उसी प्रकार हर क्षेत्र का, जैसे कश्मीर से कन्याकुमारी केरल तक, वहाँ की स्थानीय भाषा के विद्यापति जी कोई और हैं, और कठियार बाड़ गुजरात से लेकर राजस्थान, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश तक वहाँ की स्थानीय बोली की विद्यापति जी हैं। और स्त्रियाँ हर ऋतुओं में उस ऋतु के अनुसार उस ऋतु को और भी आनंददायी बना देने वाले गीत सोहर आदि गाती रहती है। भले ही उनके गीत में कोई तालमेल ना हो, सभी का सुर एक समान ना हो, लेकिन गाते वो सभी दल में हैं और एक साथ सभी के कंठ से स्वर फूटते हैं। इससे इनके लोक संगीत में बल मिलते हैं। स्त्रियां ढोलक की मदद से गाती है, अधिकतर उनके गाने के साथ नाच का भी फुट होता है। जब स्त्रियां किसी शुभ अवसर पे लोकगीत गाती हैं तो वह गाने के साथ साथ ढोलक पे, तबले पे वह नाच भी करती है, झूम उठती है वह गाते गाते। गुजरात का एक प्रकार का दलीय गायन गरबा है जिसे विशेष विधि से घेरे में घूम घूम कर औरतें गाती हैं, साथ ही लड़कियां भी बजाती जाती है जो बाजे का काम करती है। इसमें नाच गान साथ चलते हैं। वस्तुतः यह नाच ही है, सभी प्रांतों में यह लोकप्रिय हो चला है। इसी प्रकार होली के अवसर पर ब्रज में रसिया चलता है जिसे दल के दल लोग गाते हैं, स्त्रियां विशेष तौर पर। यहाँ इस अनुच्छेद में लेखक बता रहे हैं कि
गुजरात में गरबा बहुत ही प्रसिद्ध लोक नृत्य है, और आज के दौर में यह सिर्फ गुजरात में ही सीमित ना होकर के हमारे देश के अन्य राज्यों में भी यह प्रसिद्ध हो चुका है, और अन्य राज्यों की स्त्रियां भी अब गाती है और गाने के साथ साथ नाचती भी है। वस्तुतः नाचने के साथ साथ वह झूम उठती है, सभी प्रांतों में अब यह गरबा लोकप्रिय हो चला है। होली के अवसर पर खासकर ब्रज में जो श्री मोहन होली खेले थे, उन भावों को व्यक्त करते हुए होली के समय ब्रजवासी जो स्त्रियां हैं वह खूब होली के गीत गाती हैं और मनोरंजन करती। गांव के गीतों की वास्तव में अनंत प्रकार है, जीवन जहां इठलाता लहराता है वहां भला आनंद के स्रोत की कमी हो सकती है। उद्यम जीवन के ही वहां के अनंत संख्यक गाने प्रतीक है। गांव की वास्तविक सुख और भावों को स्त्रियां अपने शब्द में लयबद्ध तरीके से गाती है, और गाने के साथ साथ वह खुद भी झूमती है और दूसरों को भी झुमा देती है। वास्तविक जीवन जो सच्चा जीवन है वो सच में पूछो तो गांव में ही लहराता है, गांव में ही पनपता है, गांव में ही लोग इठलाते और लहराते हैं, सच्चे आनंद की अनुभूति करते हैं। यहाँ भला आनंद की स्रोतों की कोई कमी नहीं है, शहरों के जैसे गिने चुने सिर्फ मौके पे ही नहीं, यह हर छोटे बड़े उत्सव पे बहुत खुश होते हैं और अपने भावनाओं को वह गायन के रूप में प्रस्तुत करते हैं। अर्थात गांव की वासियों के लिए खुशी का कोई एक अवसर नहीं बल्कि अनेक अवसर होते हैं। इसीलिए लेखक इस अंतिम अनुच्छेद में कह रहे हैं कि वास्तविक जीवन तो गांव में लहरा रहा है, शहर में क्या रखा है। वहां की अनंत असंख्य गाने प्रतीक है। कैसे यदि गांव में जीवन लहराता है तो कैसे, तो उसका प्रमाण गांव में गा रहे असंख्य लोकगीतों से पता चलता है। बच्चों यह पाठ आपकी संस्कृति का एक झलक है, आपकी संस्कृति को यह उजागर कर रहा है। विभिन्न प्रांतों में गाए जाने वाले लोकगीत लोक संगीत लोक नृत्य को लेखक इस पाठ में उभारे हुए। इतना ही नहीं, सिर्फ विभिन्न राज्यों का ही नहीं बल्कि उन जनजातियों को जो जंगल में निवास कर रहे हैं वो भी अपने दल में अपने समूह में ऐसे गाते हैं जैसे चारों दिशाओं को वह गुंजमान कर देता है। तो बच्चों मैं आशा करती हूँ यह पाठ आप सभी को समझ में आया होगा। धन्यवाद।